नालागढ़ क्षेत्र में कुत्तों के काटने के मामले अचानक बढ़ गए हैं। बीते 15 दिनों में नालागढ़ अस्पताल में दर्जनों लोग अपना इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। काटने वाले कुत्तों में कई पालतू कुत्ते भी हैं, जिन्होंने अपने घर के सदस्य या बाहर आने वाले लोगों को काटा है। अचानक 2 माह में कुत्तों के इस आतंक से लोगों में दहशत है, साथ ही अपने बच्चों को भी अभिभावक अकेले स्कूल नहीं भेज रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस शहर में कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर पशु विभाग की टीकाकरण करवाने की जिम्मेवारी नालागढ़ नगर परिषद की है, परंतु नालागढ़ नगर परिषद द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। देखिए, पशुपालन विभाग के पास करीब 1.5 महीने पहले एक एसडीएम साहब से आया था एक लेटर, जिसमें किसी रेजिडेंट ने यहाँ के ये एक लेटर लिखा था उनको कि भाई यहाँ पर जो हेरिटेज पार्क है वहाँ पर डॉग्स हैं। जहाँ तक जो बाइट्स के केसेस आ रहे हैं तो मैंने भी न्यूज़ में पढ़ा है, और मुझे भी इतना ज़्यादा तो नहीं आइडिया है क्योंकि ये ह्यूमन के केसेस रहते हैं तो ह्यूमन हॉस्पिटल में जाते हैं। तो जहाँ तक पशुपालन विभाग का संबंध है, हम लोग स्ट्रे एनिमल्स जो भी हैं यहाँ पे आपके नालागढ़ एरिया में, हम लोग उनका ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब उनके बच्चे आगे ना दें, वो उनके सभी के ऑपरेशंस कर सकते हैं, उनको एंटी रेबीज के इंजेक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन इसमें मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा रोल जो है ये एमसी का है नालागढ़ का, और मैंने उस जो लेटर मुझे एसडीएम साहब का आया था उसी के बिहाफ पे मैंने इनको एक लेटर लिखा था। और मैं उनको आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो हिमाचल कंट्री का है हमारे, उसके जो एसपीसीए का एक एक्ट है उसमें जो भी स्थानीय निकाय हैं उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सभी को ऑपरेशन करवाएं, बच्चा इनका जो बच्चे ना हो, और उनको रखने का भी इनको प्रावधान करना होगा। तो मुझे नहीं पता कि उस लेटर का क्या एक्शन हुआ है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एमसी से कि वो तुरंत इसके ऊपर एक्शन लें और यहाँ पर किसी तरह का एक स्थायी कोई बंदोबस्त करें। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।